हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है रेस क्यू में। और आज हम लोग जिस पर रिएक्शन करने वाले हैं, ये एक मूवी ट्रेलर है जिसका नाम है कलियुगम। मुझे शायद ये बेसिकली जो कलयुग है जिसके जो कि ऑलरेडी जो चल रहा है, मे बी शायद उसके रिलेशन पे ये शायद मूवी होगी, जहाँ पे हमें बताएंगे कि किस टाइप की स्कार्सिटीज आने वाली है, किस टाइप की स्कार्सिटीज होंगी इन फ्यूचर जाके। क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत जगहों में हमने पढ़ा भी है कि जब कलयुग आने वाला होता है, जब और आई मीन कलयुग का जो बिल्कुल एक एंड में बिल्कुल पहुंचेगा, तो ह्यूमैनिटी किस लेवल तक जाएगी, किस लेवल तक गिरेगी। मतलब ऑलरेडी हम लोग देखते हैं, हम आए तो है, लेकिन शायद इससे भी कुछ डीपर चीजें होना स्टार्ट हो जाए, शायद से जो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे शायद वो भी हो। लेकिन क्योंकि आजकल के टाइम पे हमने तो ऑलरेडी बहुत चीजें देख ली जो बहुत एक्सपेक्टेशन की बहुत हो गई, मतलब एक इंसान कैसे कोई कर सकता है। तो वी डोंट नो कि किस टाइप की मूवी होगी, बट ज्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो ट्रेलर को यहीं पर हम स्टार्ट करते हैं। That's a very good question. Food and water and humanity. बहुत अच्छी मूवी है। मूवी ट्रेलर जो है ये एंड हो चुकी है। आई मस्ट से दैट दिस इज अ वेरी नाइस मूवी। इसमें काफी एक हम लोग वैसे हमने काफी ज्यादा एक हॉलीवुड मूवीज हमने देख चुके हैं जहाँ पे वो लोग स्कार्सिटीज, कैनिबलिज्म एंड वाटर शॉर्टेज और फूड शॉर्टेज और ह्यूमैनिटी किस लेवल तक पहुंच जाती है टू अ वेरी हायर एक्सटेंट। आई मीन मैड मैक्स में भी शायद इसी टाइप के कोई सीन्स के रिगार्डिंग बात हुई थी, जहाँ पे बेसिकली वहां पे उन्होंने बताया था कि जैसे पानी की जब स्केयरसिटी होने लगी तो लोग आपस में कैसे लड़ रहे थे, कैसे उनका एक खुद का एक डोमिनेशन पोजीशन बन चुका था जहाँ पे बैठ के वो डिक्टेट कर रहे थे। तो काफी चीजें इन्वॉल्व होती है जब भी हम ये सब चीजों को जब हम देखते हैं मैक्सिममली। तो मुझे तो ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग लगी, काफी मुझे अच्छी लगी है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने उस टॉपिक्स पे बात करी है जिसपे आई थिंक आजकल के टाइम पे हम लोग बहुत ज्यादा देखने, आई थिंक इन फ्यूचर हम शायद इन सब चीजों को हम लोग फेस तो करने ही वाले, क्योंकि वाटर शॉर्टेज और फूड शॉर्टेज तो डेफिनेटली होगी ही होगी। लोग किस लेवल तक जाएंगे अपने अपने इन सब बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, क्योंकि इट्स अ बेसिक नीड्स बट ये बहुत ज्यादा शॉर्टेज होगी होगी। तो इन्होंने बहुत अच्छी मूवी बनाई है। आई थिंक ये बिल्कुल हॉलीवुड जैसी ही एक मूवी उन्होंने बनाई है, क्योंकि बहुत सारी हमने मूवीज ऑलरेडी देख चुके हैं हम हॉलीवुड के अंदर। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी स्टोरी लाइनिंग है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इस मूवी का। और इसी के साथ वीडियो को यहीं पर हम एंड करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा रिएक्शन अच्छा लगा, प्लीज गाइस लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और आप मुझे कमेंट सेक्शन पर लिख के जरूर बताओ कि आप लोगों को मेरा रिएक्शन कैसा लगा।